रहमतुल्लाहि व बरकातहू कैसे हैं आप उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे सी एस एक्स जीरो नाइन का फॉल ट्वेंटी ट्वेंटी टू का सेमेंट सोलूशन वन क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू दोनों कंप्लीट हो गए जैसा कि मैंने आपको पहले पहले क्वेश्चन वन अपलोड किया था और मैंने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन टू कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं वीडियो अपलोड करूंगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको असाइमेंट फाइल चाहिए तो मैं अपने नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ लेकिन वीडियो को पहले देखना मैं आपको फिर तरीका बताऊँगा कि आप असाइनमेंट फाइल कैसे ले सकते हैं मेरे से देखिए क्वेश्चन वन पहले चीज़ को समझा करें फिर सेवेंड फाइल की तरफ जाया करें सपोज वी आर गोइंग टू क्रिएट न्यू फाइल नेम्ड व्यू सॉम्पल डॉट टेक्स्ट ऑन अ हार्ड डिस्क यूजिंग द विंडोज क्रिएट फाइल एपीआई, पी आई द सिग्नेचर ऑफ दिस बाय द सेटिंग बाय सेटिंग द पैरामीटर एज वो कह रहे पैरामीटर्स आपने इसके बताने उन्होंने एक सेटिंग बताई हुई है उसमें कौन से पैरामीटर्स यूज़ होंगे क्रिएट फाइल की ए उन्होंने इस ए से एक जो है व्यू यू डॉट टेक्स्ट की फाइल क्रिएट की है लेकिन उसमें ये वाले पैरामीटर सेट करने हैं द फाइल इज़ क्रिएटेड फॉर रीड राइट मोथ मोड बोथ यानी कि एक फ़ाइल जो क्रिएट हुई है व्यू यू डॉट टेक्स्ट की वो रीड राइट दो बोथ दोनों मोड में जो है वो ओपन होनी चाहिए तो इसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट होता है जैसे कि आपको पता है कि फाइल एट्रीब्यूट्स नॉर्मल फाइल फाइल एट्रीब्यूट नॉर्मल अगर हम यूज़ करेंगे तो फाइल जो है वो रीड ओनली में भी आ, मतलब कि रीड में भी होगी और राइट में भी होगी अगर हम फाइल एटरीब्यूट्स नॉर्मल की जगह रीड ओनली लगा दें तो फाइल सिर्फ रीड ओनली मोड में ओपन होगी द फाइल इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिट फॉर शेयरिंग तो आ, मतलब जो फाइल हमने क्रिएट किया है वो शेयर ना हो तो उसके लिए डी शी डब्ल्यू मतलब डबल वर्ड शेयर मोड यूज़ होता है और इसमें अगर हम जीरो लगा दें तो जीरो सिग्नेचर डेट फाइल विल नॉट बी शेयर मतलब ज़ीरो सिग्नेचर आइडेंटिफाई करता है कि फाइल जो है वो शेयर नहीं होगी सिक्योरिटी एट्रीब्यूट अगर हमने इस्तेमाल करें तो उसके लिए एक पैरामीटर है एल पी सिक्योरिटी एट्रीब्यूट अगर हम यूज़ कर लें तो वो फाइल की सिक्योरिटी भी हो जाती है इसी तरह इफ़ द सेम फेल फाइल नेम एग्जिस्ट देन इट इज ओवर अ न्यू फाइल वो ये कह रहा है कि अगर हमने क्रिएट फाइल की ए पी आई यूज करके वी सॉटेक्स की एक फाइल क्रिएट की है और अगर, अगर उसी नाम की कोई और दूसरी फाइल पड़ी हुई है तो वो ओवर राइट हो जाए डिलीट ना हो ठीक है तो ओवर राइट हो जाए तो उसके लिए क्रिएट ऑलवेज फंक्शन यूज होता है क्रिएट ऑलवेज फंक्शन ये करता है कि अगर आपकी फाइल ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है तो उसको ओवर आइड कर देता है अगर नहीं क्रिएट तो एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता है सेट ऑल पैरामीटर्स एज नल तो उसके लिए क्रिएट नल की वैल्यू टेन करके हम एक एरे क्रिएट कर देंगे तो ऑल अदर पैरामीटर्स नल हो जाएंगे मुझे कंफर्म नहीं या आप लोग कंफर्म करना और फिर मुझे भी बताना फिर इस तरह एक प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने कहा कि प्रोग्राम लिखो जिसमें हमने लास्ट एरर गेट करना है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम और कन्वर्ट करना है कोड को अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में यूजिंग uh, दैसेज ए पी आई फॉर्मेट मैसेज की एपीआई यूज करनी है और डिस्प्ले करना मैसेज अलॉन्ग विद द एर कोड्स इसमें यह है कि हैश इंक्लूड एवरी थिंग डॉट एच योर प्रोग्राम एंड यूज द विंडो ए पी आई फॉर गेटिंग लास्ट एरर। ये एवरी थिंग डॉट एच की हैडरफाइल यूज़ करनी है और इसके क्योंकि इससे एवरी थिंग डॉट एच में हम जनरिक फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं डी डब्ल्यू फ्लैग पैरामीटर इन फॉरमेट मैसेज ए पी एज फॉर्मेट मैसेज एलोकेट बफर भी इसको एलोकेट करनी है इन लैंग्वेज सिलेक्शन सेट द पैरामीटर सिस्टम डिफॉल्ट लैंग्वेज आई डी निगलेक्ट एर रिपोर्टिंग कोड मार्क्स विल बी ऑन इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा रिलेवेंट कोड इेलिवेंट कोड लिखा तो मार्क्स आपके जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे इस तरह इसका आंसर है हैश इंक्लूड विंडोज डॉट एच ये आपको पता है कि अगर आप विंडोज़ का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें हैडर फाइल यूज होती है और हैश इंक्लूड एवरीथिंग डॉट एच जेनेरिक फैन के लिए यूज होता है हैश इंक्लूड स्ट्रिंग सेफ डॉट एच ये भी आपने इसमें यूज करना है header. वाइड लॉन्ग क्वाइंटर टू स्ट्रिंग लॉन्ग क्वांटर टू स्ट्रिंग फंक्शन जिसमें हमने यूज़ करने हैं एल पी वाइड एल पी मैसेज बफर आ गया इसी तरह फिर हमें एक आ, एक वेरिएबल समझ लिया डिक्लेयर कर लिया ए पी डिप्ले बफर का फिर डबल वाई डी डब्ल्यू गेट लास्ट एर का हो गया ए पी आई फिर फार्मेट मैसेज में हमने एलोकेट बफर की फिर फार्मेट मैसेज फ्राम सिस्टम और फार्मेट मैसेज इग्नोर इंसर्स आ गया फिर हमने इसको नल कर दिया फिर डबल वर्ड में अगर आए तो मेक लैंग्वेज एंड डी जो है वो हमने बाय डिफॉल्ट करनी थी क्वेश्चन में बताया था लैंग्वेज न्यूट्रल सब लैंग्वेज डिफॉल्ट कर दी हमने लॉन्ग पॉइंटर टू स्ट्रिंग और एल पी मैसेज बफर हो गया ठीक है इसी तरह ये पूरा प्रोग्राम जो है वो सॉल्व हुआ है अगर आपको उसका अगर आपको इसमें कोई गलती नज़र आती है तो आपने ज़रूर बतानी है ठीक है ये मैंने आपको डिस्प्ले करा दिया आप सेम एज इट इज़ इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं लेकिन अगर इसमें चेंजिंग करें तो वो ज़्यादा बेहतर है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कि ये सॉल्यूशन जो है वो आपने अपने पास कॉपी पेश कर लिया होगा मजीद मालूम के लिए और असाइनमेंट सॉल्यूशंस के लिए रहा कीजिए हमसे और चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू